सो गाइस सी इज माय मदर अवृत अवृत मम्मी लोग आए यहाँ से लोग में घूमने के लिए। और ये जो देख रहे हैं ना गाइस, ये जो एक्चुअली हम लोग निसी ट्रेडिशनल में पहनते हैं, जो एकदम बहुत हाउ टू से बहुत कीमती चीज़ है, ये बहुत महंगा भी है और बहुत कीमती चीज़ है। आपका जर्नी कैसा था? टिकता तक गया आप जाओ तक गया जिम्मा। सुबह आप लोग कितना बजे से आया था? 4 बजे। 4 बजे से को ना, कल 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 से घूमेगा ना, हम भी सकने से कल मम्मी लोग का साथ देगा। और ये मम्मी लोग थका हुआ है क्योंकि जर्नी लॉन्ग था, तो पूरा 14 आवर्स लगते हैं। तो भाई इधर देखो ना भाई करो मेरा मम्मी बहुत हंसते है। सो गाइस हम लोग अभी अरुणाचल भवन में हैं, लाइक दे गोना स्टे इन अरुणाचल भवन। सो भैया चाय बना दिया आपको। चाय बना दिया पापा लोग के लिए ना? सबके लिए चाय बना दी हम लोग तो। हाँ जी। और ये भैया बहुत अच्छे है, ठीक है, ये बहुत अच्छे है। लाइक हम लोग जितना भी अरुणाचल से आदमी आते हैं अच्छे से उसको वेलकम करते हैं। आप तो मेरा फेवरेट है भैया। चाय दे देंगे? लिली लोग भी आया हुआ है। लिली हाय बोल देते एक बार। यामी है, ये भी हम लोग क्लास में थे, अरुणाचल का ही है। आज तो फाइनली आपके घर पर आए हैं। आपको भी भाया नहीं चल कैसे आई हो? कैसे आई हो? छोड़ यार हमने कैसे आई हो मेरे साइन। नूना पता जी हम तो आने हम को। सीन का सीन का सीन। And that's my dad, my father, and that one is Lily's father. मेरा पापा है जो कि बहुत यंग है अभी तक। So guys, मेरा पापा है। अबू हाय बोल दो, ऐसा कर दो। जर्नी बहुत लंबा था होगा, बहुत दूर है ना? आप से अभी मेघालय में घुसा है, दिन भर लगा है, सुबह वहाँ से 4 बजे निकला है ईटानगर से, आज यहाँ 5 बजे पहुँच गया है। तो आपको अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है। यहाँ का मौसम आपको अच्छा लगा है ना? हम लोग का अरुणाचल का पके किस्म का जैसे है। और गाइस अभी तक भी मेरा पापा बहुत यंग है। कल घूमेगा ना? कल परसों चला 15 को हम लोग यहाँ से निकलेगा। 15 को निकलेगा ना? हाँ ठीक है, तो आप बाय कर दो। गाइस ये भी हम लोग का जगह का एल्डरी लाइक एल्डर्स लोग है यहाँ पे घूमने के लिए आया। और ये मेरा बड़ा भैया का वाइफ का पापा है, लाइक हम लोग भी रिलेटिव है। और ये सब पूरा अंकल है जो कि अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जर्नी बहुत लंबा था ना, जर्नी लंबा था ना। गांगे अदो पाई गांगे अचपा अचपाई। सो गाइस तो वो लोग भी बहुत लंबा जर्नी से होके आए क्योंकि सबको पता है कि मेघालय बहुत सुंदर है, घूमने के लिए बहुत जगह है, बहुत कुछ कुछ देखने के लिए है। तो उसको ही देखने के लिए ये लोग भी आए हैं। तो आप लोग का साथ हम भी सकने से सीत होने से जाएगा साथ में, हम वीडियो बना देगा आप लोग होगा ना? कल कल हम कॉलेज नहीं जाके आप लोग के साथ आएगा, ठीक है? तो ये लोग अभी चाय पी के थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं एंड आई एम सो हैप्पी फॉर देम क्योंकि अभी इतना उम्र हो गया है लेकिन अभी ये लोग को एक्सप्लोर करने के लिए मौका मिला है। तो आई एम सो हैप्पी फॉर देम, लाइक हम बहुत बहुत खुश है, ठीक है? ऐसे कर दो ना। हाँ रिका हाँ रिका हाँ ऐसा के आज मलंग रही तो 1 2 3 ओ नूल अन्या जा। सो गाइस यहाँ में भी है, यहाँ में भी लोग है, सब हम लोग का जगह से आया हुआ है। लाइक दे केम हियर टू एक्सप्लोर द प्लेस एंड गाइस आई एम सो हैप्पी फॉर देम।
you can see that they are very old in age. Like this time they are getting to explore this world, and I'm so happy for them. So guys, sab pagi kisang kaya na sab gang bura. Guys, you can see. अच्छा पुटम लगाएगा ना? उसको कल लगा लीजिए, हम कल भी बनेगा. अभी जस्ट इंट्रोडक्शन हो रहा है. सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमका ट्रेडिशनल ये कैप है, उसको वो पहन के हमको दिखा रहा है ताकि आप लोग भी देख के जाने हम लोग के बारे में. इसको निसी में पुदुम बोलते है. कई ना अमिंग हुकू है, कई कामिंग कई मतलब अंकल लाइक एल्डरी, जिसको हम लोग रेस्पेक्ट वैसे में बोलने से पह तची है. और आप बहुत अच्छा दिखते हैं. अब्रित अब्रित प्यारा है. यहाँ पे कुछ खा रहे है. सिहुगु है गोन. गोन जो क्या से बनाया जाता है? तो गाइस इसको खा रहे क्योंकि ये सब खाने का आदत है, तो यहाँ भी आने से ये लोग को खाने का मन होता है ना, तो इसलिए अपने साथ लेके आया है. बहुत प्यारा है. इसको खाने से नशा होगा, चक्कर होगा ना. गाइस इसका स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग है. अंकल आपका नाम बताइए. मेरा नाम तची तुगलो. तची तुगलो, आप बहुत हीरो लग रहे हैं. आप हेड गंगुरा है? रिलो का है. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है. कल अच्छा से आप लोग के साथ वीडियो बनाएगा. हाँ, अभी के लिए बस इंट्रोडक्शन दे दिया. अंकल आप तो एकदम मस्त लग रहे हैं. प्यारा है रिवन. गाइस ये मेरा बाबी है, छोटा बाबी. लिली का लास्ट मम्मी है ना. लिली का लास्ट मम्मी है ये. और बाबी भी घूमने आया, फर्स्ट टाइम आया ना? नहीं, हम चार बार हो गया. चार बार? ओ बाबी तो बहुत बार आ चुका है. और आप भाभी एक बार हाय बोलो तो. हाय. और बोलो सब्सक्राइब. सब्सक्राइब टू दिस चैनल. यस, थैंक यू भाभी. बाय बोलो अभी. बाय. क्या और पैसा चाहिए? नहीं हो गया सर, बाद में ले लेता. ठीक जरूर ले लेना. ठीक है ठीक. और हरी सब्जी डाल देनी चाहिए ना सर? वो भी जरूर नहीं. दाल दाल, दाल जरूर नहीं. वो सब्जी जो पट्टा उट्टा खिलाने से बब्बू और टेंगा है. इसको पता लगा दो. बब्बू टेंगा है इसको पता लगा. वो सब सब्जी को बॉईल करने से झोल बनाने से. अच्छा ठीक है सर. 26 है ना सर? मिला के पापा क्या कमाए? पापा क्या डिबेट चल रहा है यहाँ पे. सो गाइस ये लिली का पापा है. ठीक है, दोनों का बात सुन लेगा. पापा तो बीबी और बच्चा को खिलाते खिलाते थक गया है. चावल है, बेम्बू शूद है, दाल है, आलू है, खिला देगा. मेरा पापा. तो गाइस हम ये बोल रहा था कि ये जो मेरा अच्छी है, अच्छी मतलब एल्डर ब्रदर, जो कि हम लोग का जगह का जेट पीएम है, बहुत रेस्पेक्टफुल और बहुत माना जाने वाला इंसान है, तो इनका थ्रू से ही इन लोग को स्पॉन्सर करके. सो गाइस लाइक दे आर ब्लेसेस टू हैव हिम एज योर लीडर. सो या आई एम आल्सो प्राउड ऑफ हिम, ही बीइंग माय एल्डर ब्रदर. सो अच्छी आप हाय बोल दीजिए. हाय. बहुत हैंडसम है आप, ऐसे मत देखिए. अच्छी बहुत अच्छा है, गुड लुकिंग है देखने में. और उसका बेटी वहाँ पे ऑब्वियसली बोल रहे हैं. Hi guys, welcome or welcome back to my another video. So guys, I hope you all are doing absolutely fine.
सो गाइस इवन मी आई एम फाइन। तो जैसे कि आप लोग को हम बताए थे कि मेरा पेरेंट्स आए शिलोंग में, और भी बहुत सारे लोग आए हैं। वो लोग को गवर्नमेंट, हम लोग का वहाँ का गवर्नमेंट जो स्पॉन्सर किया है लाइक टूर, शिलोंग को टूर करने के लिए। तो और उन लोग एक छोटा सा वीडियो बना देगा ताकि वो लोग का भी जितना भी बच्चा होगा देख पाए कि उसका पेरेंट्स कहाँ घूम रहे हैं ना, क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये वीडियो जो एक्चुअली बहुत प्यारा होने वाला है मेरा ख्याल से, क्योंकि हम एक्चुअली बहुत कल से हम उन लोगों को देख के थोड़ा इमोशनल भी हो गया था ना, क्योंकि जितना भी लोग आया है सब लोग ओल्ड एज टाइप का ही है, लाइक सब एल्डरी लोग हैं, सब बड़ा लोग हैं ना एज में। तो वो लोग अभी का समय में लाइक ऐसे उम्र में उन लोगों को अभी घूमने मिल रहा है, लाइक समझ रहे ना गाइस। तो वो सबको देख के हम थोड़ा इमोशनल हो रहा था ये लोग देख रहे हैं तो इमोशनल हो रहा था कि लाइक इतना मोरम लग रहा था कि वो लोग अभी घूमने आए और के। तो इसलिए वो लोग को मतलब उन लोग को डेडिकेशन देते हुए हम ये छोटा सा वीडियो उन लोग के लिए बना देगा। एंड आई होप कि आप लोग ये वीडियो को जितना हो सके शेयर करेगा, और जितना हो सकेगा ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी देखने मिल सके और ये प्यारा सा वीडियो। आप लोग देखा है कि यहाँ पे लाइक गैदरिंग किया ताकि सब लोग एक साथ जा सके, और इन लोग का फोटो शूट भी हुआ है। लाइक कैसे हम क्या बोलेंगे कि हम इतना अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाए कर पा रहा है, बट स्टिल आई होप कि हम जितना हो सकेगा कि अच्छे से कैप्चर कर सके ना, ताकि उन लोग का जो बच्चा लोग होगा जो फ्यूचर में भी देख सके ना कि उसका ग्रैंड फादर या फिर जो भी पापा हो वो लोग देखने घूमने गया था उनके। तो ये जो मेरा आज और कल का जो वीडियो होगा ये उन लोग के लिए होगा, लाइक आई एम डेडिकेटिंग दिस वीडियो टू देम, एंड आई रियली होप दैट यू गाइस विल ऑल्सो एन्जॉय वॉचिंग इट, एंड प्लीज टू सपोर्ट मी। आज हम लोग सौरा जा रहे हैं, या वहाँ पे हम लोग लिविंग रूट और एशिया का क्लीनिनेस विलेज को भी देखेगा। तो तरती भाई तरती मुतु काई हाय तो जाके अच्छा लग रहा है, अच्छा है ना, जगह सुंदर है, कांगम्पा। आज तो आज बढ़िया से घूमेंगे ना। आप लोग क्या पहने गले? गाइस ये हम लोग का ट्रेडिशनल ड्रेस है ना, और ये मेरा अच्छी अच्छी मतलब भैया का बीबी है तो मुई ही लगता है मम्मी कही बाय। देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग तेल बनाने के लिए थोड़ा रुकया है, तेल बना के यहाँ पे हम लोग तेल बना के अभी यहाँ से फिर निकलेगा जो आप देख रहे हैं ये इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है, तो आगे हम यहाँ से होके जाएगा। गाइस ये बांग्लादेश का बॉर्डर है, तो हम लोग दिखाने के लिए यहाँ पे जो नंबर दिया है उसके उससे पार होकर हम लोग को नहीं जाना है। यहाँ पे जो आया है सबको यहाँ में घूर घूर के देख रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये बहुत यूनिक है। As I have told you that they are from village and they don't know much about anything, so someone has to guide them so that you know guys.
बांग्लादेश का बॉर्डर में भी है क्योंकि पहली बार आया तो ऑब्वियसली थोड़ा यहाँ पे मेमोरीज के लिए फोटो खींच रहे हैं। हाँ, ये सारा मेरा बस्ती का गांव बुलाने को लेके आया जैसे टूर विजिट कराने के लिए, और आपका बंगला इंडो बंगला बॉर्डर देख के हमको बहुत खुश हुआ है। ये पहली बार हम आया इधर, पहली बार जी, पहली बार आया आप। और ऐसे तो ऐसे तो बहुत आदमी आता जाता होगा, अभी तो शुक्रवार को गाड़ी बंद रहती ना जी, रिपोर्ट का भी बंद रहती है, बहुत भीड़ आता है। ठीक, तो हमारा गाँव बुरा लोग देखे कैसे लगा है? बहुत अच्छा कलर की है ना, तो बिल्कुल कल्चर है, बहुत अच्छा लगा। ये हम सब ट्रेडिशनल कल्चर, इसको बोलते हैं पुडुम, डेथ पुट गोरबिन का है ये, हमें देते हैं अच्छा लगा ना। हम तो बहुत तकलीफ से ड्यूटी करता होगा यहाँ पे, यहाँ बॉर्डर में तो कोई तकलीफ तो नहीं है नहीं। थैंक यू गाइस, आप देख सकते हैं कि पानी बहुत गंदा है यहाँ पे, बोटिंग ये सब करते हैं लेकिन पानी गंदा का कारण से ये लोग यहाँ पे लेके नहीं जा रहा है। गाइस आप देख सकते हैं कि पानी पूरा गंदा है, अदरवाइज यहाँ पे बोटिंग करते हैं। अभी हम लोग ये वाटरफॉल में पहुंच गया जो कि इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। और ये वाटरफॉल का नाम है उमक्रेम, और आप देख सकते हैं ये बहुत सुंदर लग रहा है। वहाँ जाइए, हाँ वहाँ खींचेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं ये वाटरफॉल बहुत सुंदर है, काफ़ी सुंदर लग रहा है और काफ़ी बड़ा है। हम लोग इधर जाके खींचेंगे। ये अंकल लोग जो एल्डरी लोग हैं तो इन लोग के लिए फोटोशूट किया जाएगा यहाँ पे, और जैसे कि आप देख सकते हैं दे आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू टेक फोटोज, एंड फॉर देम आई थिंक इट्स अ वेरी न्यू थिंग। हम लोग का वहाँ भी वाटरफॉल झरना होता है बट इतना बड़ा और इतना सुंदर तो ये लोग के लिए भी पहली बार होगा। सो गाइस प्लीज एंजॉय दिस ब्लॉग एंड कीप ऑन वॉचिंग, एंड यू कैन सी देयर दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम द नियर एंड इट्स सो मेसमराइजिंग। माय फादर since it's new for them also, so they are not so aware of what to do and what not to do, but they are also enjoying it. We both khushi hai. सुंदर है, ठंडा है ना, सुंदर लगा आपको? अच्छी आपको सुंदर लगा है? सुंदर लगा है, हाय बोलो, हाय, मजा लग रहा है, मजा लग रहा है आप लोग को? तो
गाइस पेरेंट्स को यहाँ पे अभी फोटो भेजेगा हम अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, तो अभी हम लोग लिविंग रूट जो है कि जो कि बहुत फेमस है उसको देखने जाएगा। एंड द वाटरफॉल इज वेरी ब्यूटीफुल ऑफ कोर्स नो डाउट। वीडियो ले रहे हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना, थोड़ा ठंडा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है अल्फा तो अभी आपको ये मेरा मुइचे लगा है अरे कांगम भाई, कांगम भाई। तो ये वाटरफॉल इतना बड़ा वाला वाटरफॉल पहली बार देखा होगा, ये पहले बार अरुणाचल में इतना बड़ा वाला तो नहीं है ना, पता नहीं पता नहीं ना अभी तक हो सकता है, लेकिन अब मेरा टाइम है तो वही फर्स्ट टाइम है। तो गाइस आप जैसे कि जान सकते हैं अरुणाचल में भी हो सकता है, बट अभी तक तो डिस्कवर नहीं किया है। और ये बहुत बड़ा है, लाइक बहुत बड़ा है। एंड प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। कांगम भाई आया पा, नो फर्स्ट टाइम का भाई। तो कैसे लगा? अच्छा लगा। Here I will have my sprite. इसका नाम क्या है? मौलीलोंग। ये जगह पे हम लोग एंट्री लेके अंदर घुसेगा। यहाँ पे लंच करेगा। तो ये है एंट्री फी जो कि कॉस्ट 200 rupees। लंच करेगा। सभी लोग को बहुत भूख लगा होगा। और यहाँ का लोकेशन बहुत प्यारा है गाइस, बहुत प्यारा है, बहुत क्लीन लग रहा है यहाँ। तो गाइस अभी लंच करने के लिए यहाँ पे रुक गया, सभी लोग लंच कर रहे हैं। अभी हम लोग एशिया का मोस्ट क्लीन विलेज में है, जो कि सच में भी यहाँ आके लाइक एक टुकड़ा कुछ गंदा दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। ये बहुत सुंदर लग रहा है जगह, बहुत सुंदर लग रहा है। और अब ये विलेज को पापा लोग का ग्रुप सब लोग साथ में अभी एक्सप्लोर करेगा, वो लोग भी देख के शायद बहुत कुछ लर्न करेगा, बहुत कुछ सीखेगा कि अपना जगह में कैसे साफा से रहना है ना। ये जो जगह है सच में भी वो बहुत साफा है और बहुत सुंदर है। एंड दे वेर ऑल्सो वेरी इम्प्रेस्ड, क्योंकि लाइक हम अपना जगह को बेइज्जती ही नहीं कर रहे, बट वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गंदा लोग होते हैं ना। So guys, the village that we are going to explore now is known as the Asia's cleanest village. Here are the local things that the local people of Meghalaya they make. यहाँ का लोग locally बनाते हैं, and they are very surprised to see. So guys, अभी हम लोग एशिया का cleanest village को explore कर रहे हैं, और अंकल लोग भी बहुत सरप्राइज है। ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक टुकड़ा कागज़ दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि बहुत साफा है। दरुपाई है। सी एशिया के मलंगम दरु वो बस्ती नामपिंग गुफा दरु का पा पाई दरु दरु लोदा पाई है। तो गाइस ये अंकल अभी ये बोला है कि सच में भी ये बहुत साफा है, और हम लोगों को भी ऐसे सीखना चाहिए लाइक अपना जगह को साफा रखने के लिए। और ये लोग को घुमाने का मोटो ही यही है कि यहाँ से कुछ दूसरा जगह घूम के कुछ
सीख के कुछ नॉलेज ले सके और उसको अपना जगह में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. एस वी नो दैट इंडियन गवर्नमेंट जो ये लोग जो काम हुआ है ना, ये लोग ऑटोनोमस बॉडी है तो ये लोग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं अपना अपना विलेज में. सो या एक्चुअली दे आर वेरी रेस्पेक्टेड पीपल्स एंड दे आर एक्सप्लोरिंग दिस विलेज लाइक आउटसाइड अरुणाचल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर देम एंड इवन दे आर वेरी सरप्राइज टू सी हाउ क्लीन द प्लेस इज. दरु भाई आपको नहीं लगते कि हम लोग को यहाँ से सीखना चाहिए ना, ताकि हम लोग भी अपना जगह में ये चीज को इम्प्लीमेंट कर सके ना. मतलब मूल का आत्म जगह इधर उधर पहदेव. तो आप कुछ बोल दीजिए हम लोग आदमी को. बजाना है मुलुक जागा लो. एंड दे आर लुकिंग सो गुड क्योंकि वो अपना अपना ड्रेस पहना है और ऊपर पे जो ये कैप पहना वो हम लोग का ट्रेडिशनल अटायर है. लाइक इसको ऑर्नामेंट की तरह ही पहनते हैं मेन, स्पेशली मेन लुक के लिए है. तो उनका जो कुछ है ना चिड़िया का पीस जैसे जो लग रहा है, एक्चुअली दैट इज मेड आउट ऑफ हॉर्नबिल जो चिड़िया है ना, हम लोग स्टेट बर्ड भी है तो वहाँ से बनाया जाता है. अभी तो बहुत सारा आर्टिफिशियल भी निकल गया है बट सम आर ओरिजिनल एंड सम आर They are trying our traditional attire. और नीचे कर देख ले. और ते मरी. ए देख. उन्हें रखा. अन्य कंपालो वो लोग. So you can see it's very beautiful, it's very clean, the place is awesome. तो गाइस यहाँ पे ये बात हो रहा था कि यहाँ का जो घर है वो हम लोग का जगह का घर से बहुत मिलता जुलता है बोलकर. आप देख सकते हैं कि यहाँ का घर लोग अपना सराउंडिंग अपना सराउंडिंग को बहुत क्लीन से रखा है, बहुत अच्छा से रखा है गाइस. आप देख सकते हैं और बहुत क्या बोलेंगे ऑर्गेनाइज और सब कुछ नेचर से किया गया है. ये लोग कुछ भी चीज़ प्लास्टिक या फिर कुछ चीज़ यूज़ नहीं किया है विच इज़ सो इम्प्रेसिव. आप देख सकते हैं सो ब्यूटिफुल. वाओ लिटरली सच में भी डिजर्व है. लाइक ये बहुत वर्ड है कि एशिया का मोस्ट क्लीनिएस्ट विलेज है ये नाम, मतलब ये विलेज को देने के लिए बहुत वर्ड है. इट्स लिटरली सो ब्यूटिफुल एंड सो क्लीन. You will not get to see anything in plastic. Like everything is made out of some nature, like some natural things. Even the dustbins you can see over there. And they have kept the place so beautiful. And guys, yahan se bhi aur bhi explore kar sakte hain, but I think we are not going there. We're gonna end our exploring till here. And up until now, it's very beautiful. It's very clean. और यहाँ पे इतना बड़ा एक पेड़ है. गाइस क्या बताओ आपको, सच्ची को बता रहे हैं बहुत फ्रेश है, बहुत सफाई है. लेकिन यहाँ का जो ह्यूमिड लाइक यहाँ का जो वेदर है यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गर्म है कंपेयर टू लाइक शिलोंग. शिलोंग में ठंडा ही होता है. से हाय. अब आपको एशिया का सबसे सफा वाला बस्ती में आके आपको कैसा लगा? देख के बहुत खुशी लगा है.
खुशी लगा है ना। सच में भी आपको लग रहा है कि सफाई हमने सही में हम बोला है वेर में क्या बना बाहर में कैसे करके वो लोग फूल को लगाता है क्या करके डिजाइन डिजाइन बना के एकदम देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा। आपको लगता है कि हम लोग को भी ये सीखना चाहिए अपना जगह में? हाँ, मेरा बच्चा का बच्चा लोग तो सीखना चाहिए वो चीज़ को, इसलिए हम लोग यहाँ अरुणाचल से यहाँ शिलोंग में आया देखने के लिए आया। और उसको देख के हम लोग जब तक संसार में बैठेगा तब तक किसी किसी को बताते रहेगा ऐसे है ऐसे है हो जाएगा ऐसे है बटाठे रहेगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा ना? हाँ, बहुत अच्छा। हम लोग अरुणाचल में तो कहीं में भी पेपर से पैक देते हैं। हाँ, यहाँ में तो ऐसा नहीं है, एक पट्टा भी गिर के नहीं रखा है। हाँ, तो आप ये चीज को हम लोग अरुणाचल का आदमी को बोल दीजिए कि हम लोग को भी ऐसे सफा से रखना है। ओके, श्योर। मीटिंग सेटिंग हम लोग डेली हम लोग मीटिंग जाता है, हम तो बोलेगा ही। बहुत श्योर है ना? ठीक है, तब तो थैंक यू। दुकान लुक सुंदर है, चलो चलो चलो। लिविंग रूट ब्रिज, सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स लिविंग रूट ब्रिज। यहाँ से 450 मीटर्स दूरी में है लिविंग ब्रिज को देखने जा रहे हैं। एक्साइटेड है आप लोग? देखने मन है आप लोग? देखने मन है। लिविंग ब्रिज बहुत फेमस है एक्चुअली, पूरा वर्ल्ड में फेमस है। उसमें देखने के लिए वही देखने के लिए जाए। हाँ, चलिए। As you can see, यहाँ का लोकल्स लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं, दुकान सुकान खोल के। Now, Api Ma. अंशु भाई बोलो के चाकू नहीं सर है। जैसे कि आप लोग को हम बताए थे कि क्योंकि हम लोग का वहाँ का लोग सारा चीज लोकल लाइक बॉयल में खाते हैं, तो उम्र में बोलने से थोड़ा बड़ा होने से भी एजेड होने से भी फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं और ये सब चीज़ को आराम से जा सकते हैं। सो दैट इज बेस्ट थिंग अबाउट अस। कोई बात नहीं, तो गाइस वी हैव रीच टू द लिविंग रूट ब्रिज। So guys, this is the Living Root Bridge, which is so famous in Meghalaya. Or size में देखा जाए तो थोड़ा छोटा ही है, but I will show you full from that side. And ये जो ब्रिज है ये रूट से बनाया गया ब्रिज, लाइक रूट से बनाया ब्रिज है, तो यहाँ पे कोई सीमेंट या फिर कोई स्टील कुछ भी चीज़ होता है वो सब यूज़ नहीं किया गया। एंड द प्लेस इज वेरी ब्यूटीफुल। अबू आपको तो लिविंग ब्रिज देखने मन था, देख लिया आप? हाँ, अच्छा लगा वो चीज को। हम
मोबाइल से वीडियो से हम देखा है, प्रैक्टिकल हम देख लिया। बढ़िया बढ़िया है ना, जैसे बड़ा दिखाता है इतना तो बड़ा नहीं है ना वैसे। मोबाइल में बहुत बड़ा दिखाता है। हाँ अभी प्रैक्टिकल देखा है, थोड़ा छोटा है। थोड़ा छोटा है ना जी। नदी जैसे ऐसे ही, नदी तो जैसे ऐसे है ना। आपको अच्छा लगा है ना? अच्छा लगा, अच्छा लगा। ठीक है, तो मेरा पापा का ख्वाहिश था, एक विश था कि मेघालय में उसको ये लिविंग रूट ब्रिज देखना है, तो आज पापा देख लिया और पापा बहुत खुश भी है। एंड आप लोग भी एक्सप्लोर कीजिए, इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू एक्सप्लोर। आप इधर आने के बाद माइंड भी पूरा टॉक्सिसिटी से लाइक थोड़ा हट जाते हैं ना, प्योरीफाई हो जाते हैं। और यहाँ पे पानी तो भी बहुत फ्रेश है। एंड आई एम हैप्पी दैट इवन दे आर गेटिंग टू एक्सप्लोर दिस थिंग, बिकॉज ये लोग पुराना ज़माने का आदमी लोग है ना, तो इन लोग के लिए ये सब चीज़ बहुत मैटर करते हैं। लाइक ये सब चीज़ उन लोग को बहुत पसंद है देखने के लिए, तो ये सब चीज़ को देख के उन लोग बहुत अच्छा लग रहा है। और वहाँ पे एक अंकल भी है जो कि बहुत ओल्ड है, शायद से वो वहाँ से देख लेगा बोला। और पानी यहाँ पे गाइस, वी आर गोइंग बैक, हम लोग वापस से जाएगा। और बहुत ऊँचा है, वहाँ जाना है तो सब बूढ़ा लोग भी है, तो आराम से टाइम पर जाना होगा। सो गाइस, हम लोग लिविंग रूट ब्रिज को देखने के बाद सब अपना अपना गाड़ी में आके हम लोग शिलोंग की ओर निकल गया। और उस चीज़ को हम शूट नहीं कर पाया क्योंकि मेरा जो बैटरी है वो भी ख़त्म हो गया। और जैसे जैसे तैसे करके गाड़ी में फिर से हम मोबाइल चार्ज करके ये व्यू को कैप्चर किया है। और ये जो व्यू है बहुत सुंदर लगा है, आप लोग भी देख सकते हैं। तो गाइस, आप लोग कमेंट सेक्शन में सभी अंकल आंटी और जो एल्डरली लोग पहली बार अपना लाइफ में ये सब चीज़ एक्सप्लोर किया है, वो सब सभी लोगों का आप बहुत सारा प्यार दीजिए अपना कमेंट के थ्रू से। सो गाइस, हम भी यहाँ तक वीडियो को रखना चाहेंगे।